हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि डिस्प्ले पे एक इमेज आप लोगों के सामने शो हो रहा होगा, ये पतंग वाला कहिए या बत्तख वाला कहिए, जो भी कहिए, ठीक है। और साथ में आपका इमेज है यहाँ पे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इमेज वाला इस टाइप का फोटो कैसे बनाए और अपना नाम के साथ वाला तो कैसे बनाना है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो लास्ट तक बने रहिए आप हमारे इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो कर लीजिए सब्सक्राइब। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आपको अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। कोई सा भी क्रोम ब्राउजर हो चलेगा, जैसा कि मेरे पास अभी क्रोम को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। और क्रोम के ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है, तो आपको एक सर्च करना है। सर्च वाले बटन में जाके आपको सर्च करना है BING, बींग इमेज क्रिएट, आपको सर्च करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने सर्च किया बींग इमेज क्रिएट, तो एक वेबसाइट खुलकर आया है, इमेज क्रिएटेड विथ बींग इमेज क्रिएटर, ठीक है, जो सबसे फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला। तो आपको इस पर आपको करना है क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करिएगा ना, तो आप सबसे अगर आप अकाउंट को क्रिएट किए हैं, तब जाके आपको डायरेक्ट यहाँ से ज्वाइन एंड क्रिएट कर लेना है। अगर अभी तक आप लोगों ने कोई सा भी अकाउंट क्रिएट नहीं किया है और पहली बार इस वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो आपको एक अकाउंट को क्रिएट करना होगा। तो आपको यहाँ से थ्री लाइन में दिख रहा होगा यहाँ पे, तो थ्री लाइन पे आपको करना है क्लिक। जब आप थ्री लाइन पे क्लिक करिएगा ना, तो आप लोगों के सामने इस तरह का खुलकर आ जाएगा। तो आपको करना है यहाँ से साइन इन का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस पे आपको करना है टैप, यानी कि क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करिएगा, तो एक इस तरह का खुलकर आ जाएगा आप लोगों के सामने। तो यहाँ पे ईमेल और फोन और जो है ना, आपको नहीं देना है यहाँ पे। यहाँ पे इसके लिए होता है, जो पहले से अकाउंट बनाता है उसके लिए होता है। तो आपको करना है यहाँ से क्रिएट वन, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो उस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करिएगा, तो एक नया इंटरफेस खुलकर आ जाएगा आप लोगों के सामने। तो यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी देना है, कोई सा भी ईमेल हो चलेगा जी। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे ईमेल देते हैं, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस। ईमेल देने के बाद आपको करना है नेक्स्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट का बटन, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। तो यहाँ पे आपको करना है फर्स्ट नेम और सर नेम देना है, यानी कि लास्ट वाला जो नेम होता है उसी को सर नेम कहा जाता है। तो फर्स्ट नेम कुछ भी दे दीजिए जो आपका नाम हो वो, फॉर एग्जांपल जैसा कि मेरा नाम जो है अभी हम दे रहे हैं, ठीक है, मेरा चैनल का नाम है। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब। और उसके बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देने के बाद आपको कर देना है नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट करिएगा, तो इस चीज़ को सिलेक्ट कर लीजिएगा, आप कहाँ के कंट्री से वो सिलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल सकते हो, जरूरत नहीं है कि आपको पता ही होना चाहिए, तो कुछ भी दे दीजिए। फिलहाल अभी हम दे दिए इस तरह से। उसके बाद आपको कर देना है नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा ना, तो ये जो ईमेल आईडी दी है, तो उस पर एक कोड आया होगा, तो वो कोड आपके ईमेल पे जाएगा। ईमेल को हम बैक किए, उसके बाद जाते हैं जीमेल में। जीमेल ईमेल एक ही होता है ना, तो जीमेल में जाने के बाद आपको जो मैं पहले ईमेल में आ जाना है, उसके बाद आपके इस एक कोड आया होगा। फिलहाल हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी कोड आया है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कोड क्या है, तो यहाँ पे कोड को हम कॉपी करते हैं, फिलहाल कॉपी नहीं करते क्योंकि अभी यहाँ से नोट करते हैं। उसके बाद वहाँ को लिख देना है, ठीक है, 421847, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाना है क्रोम में, जहाँ थे वहाँ पे आ जाना है। उसके बाद जो कोड आया है अभी ईमेल पे, वो कोड यहाँ पे इंटर करना है आपका, 421847। उसके बाद आपको कर देना है यहाँ से उसको सिलेक्ट, मतलब टिक मार दीजिएगा, यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा तो टिक मार आ जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, यहाँ से नेक्स्ट करना है। जब आप नेक्स्ट करिएगा, तब एक नया इंटरफेस खुलकर आएगा आप लोगों के सामने, तो वेट करिए। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे,
और नेक्स्ट करने के बाद ये कुछ कह रहा है कि सिलेक्ट द एनिमल विथ द रॉन्ग हेड, तो रॉन्ग हेड तो भैया हमको यही दिख रहा है, गलत बताया ना, इसको सिलेक्ट कर, इसमें जो है ना 10 का 10 सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे जो रॉन्ग हेड आपको दिख रहा है उसको करिए सिलेक्ट, इस भी रॉन्ग हेड है और ये भी रॉन्ग हेड दिख रहा है मुझे, ये भी रॉन्ग हेड है, ये भी, ये क्योंकि मेढक का तो ऐसा सिर होता नहीं है इसलिए ये आया, फिर ये आया, उसके बाद ये आया जो रॉन्ग हेड है, फिर हमको लग रहा है ये रॉन्ग हेड है, रॉन्ग, उसके बाद ये भी हमको रॉन्ग लग रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है, इस तरह का खुल कर आ जाएगा आप लोगों के सामने। और उसके बाद आपको कर देना है ट्राई अगेन करना, फिर से एक बार कोशिश करते हैं। वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद आगे का प्रोसीजर थोड़ा देर के बाद आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अकाउंट क्रिएट हो चुका है, उसके बाद आपको एक बार और हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे 3 लाइन पे जाना है आपको फिर से। तो 3 लाइन पे जाने के बाद मैंने अकाउंट क्रिएट हो चुका है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अकाउंट अभी क्रिएट हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, मैंने यही अकाउंट बनाया था, यही अकाउंट आ चुका है। तो हम फिर से बैक आते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ लिखना होगा जो कि हम लिख के रखे हुए हैं नोट में, तो आप लोग वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। जैसा कि हम अभी यहाँ पे लिखे हुए ये चीज़ आपको चेंज बस थोड़ा सा ही करना होगा यहाँ पे एक चीज़, तो नाम जो भी आपका नाम हो वो चेंज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे बॉय है ना, तो आप अगर लड़की है तो गर्ल लिख दीजिएगा, आपका जो भी नाम हो यहाँ पे आपको वो चीज़ आपको यहाँ पे लिख देना होगा, ठीक है। यहाँ पे बस इतना ही चीज़ आपको चेंज करना है और उसके बाद यहाँ से आपको पूरा का पूरा कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी किए उसके बाद आपको वहीं पे आप फिर से जाना है, यहाँ पे जाने के बाद आपको पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, कॉपी करके यहाँ पर क्लिक करिएगा तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको करना है ज्वाइन एंड क्रिएट का, आप एक बटन दिख रहा होगा यहाँ पे ये वाला, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करिएगा तो थोड़ा देर के बाद ये क्लिक कर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट क्रिएट आया है ना, यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रिएट, तो आपको यहाँ पे क्रिएट है ना, तो क्रिएट कर देना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट होने लगेगा, कुछ देर के बाद क्रिएट होगा, अभी नहीं आ रहा तो फिर एक बार रिफ्रेश करिएगा, फिर से कंटिन्यू होने लगेगा। ये यहाँ पे देख सकते हैं कि कंटिन्यू, रिफ्रेश करके कंटिन्यू हो जाएगा और उसके बाद थोड़ा देर के बाद एक जो भी आपका जो इमेज बनकर आ जाएगा। अभी हम वेट करते हैं 1 मिनट के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं अभी क्रिएटिंग हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रिएट होकर आ चुका है, तो आपको जो भी इसमें से अच्छा लग रहा है, जैसे कि ये है, ये है, ये है, बहुत सारा है, तो ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, इस पर हम क्लिक किए और आप जो आपको लगेगा अच्छा उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद उस पर आपको थोड़ा देर के लिए टैप करके रखिएगा तो उसके बाद डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको डाउनलोड इमेज कर लेना है। उसके बाद हम इसे ओपन करके आपको दिखा देते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं अब ओपन का है ना, यहाँ से ओपन करके दिखा देते हैं आपको, तो ये देख सकते हैं मेरे में सेव हो चुका है और आपको मैं गैलरी में भी आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ से गए और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अभी डाउनलोड किए थे वही चीज़ यहाँ पर आ चुका है, ये वाला जो है मैं वीडियो बनाया है वो उस चीज़ का है यहाँ पे, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे सेक्शन में बताइएगा। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो आपको सब्सक्राइब कैसे करना है, आपको सर्च करना है नीरज नॉलेज, आप वीडियो देखिए रहे मेरा वीडियो, तो आपको क्या करना है कि यहाँ से ही मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे बेल आइकन दिखेगा आपको, तो आप लोग वहाँ से आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का ही सपोर्ट चाहिए मुझे, आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप लोग मुझे
सपोर्ट करिएगा ना, तो मुझे वीडियो भी बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है यार। तो आज की इस वीडियो में मैंने इतना ही बताया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा। अगर इस टॉपिक से कोई भी रिलेटेड आपको इशू आ रहा है, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम या समस्या आ रहा है, तो आप मुझे यहाँ से कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।